नमस्कार दोस्तों, टेन सीरीज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देख लें, ताकि आपको टेंस सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेस वे टेंसेस हैं जिनसे हमें किसी भी कार्य के भूतकाल में जारी होने का बोध होता है। जैसे वह जा रहा था, वह खा रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे। इन टेंसेस को आप वाक्यों के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। अब इन टेंसेस को बनाने का फॉर्मूला सीख लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर का यूज किया जाएगा, और जैसा कि हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। यहाँ पर वॉज का यूज आई के साथ और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज का यूज होगा, और किसी भी प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा, जैसे कि यू, वी, दे। इन टेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ नोट का यूज किया जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें पता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला होगा वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे थे। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने सेंटेंस के पीछे रहे थे देखकर यह कन्फर्म किया कि यह टेंस पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। इसका अफर्मेटिव बनेगा वी वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर वर का यूज वी सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट होने की वजह से किया गया है, और क्योंकि यह एक कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है। इसका नेगेटिव बनेगा वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं वर वी प्लेइंग क्रिकेट, और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वह गाना गा रहा था। इसका अफर्मेटिव बनेगा ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर ही सिंगुलर एकवचन सब्जेक्ट के कारण हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज किया गया है। इसका नेगेटिव बनाते हैं ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे ले जाते हैं, तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा
वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह से बनेगा, वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गया है। तो स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों एग्जांपल्स को चारों टेंसेस में बनाकर कमेंट करें जल्दी से जल्दी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।